नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। एक बार फिर से आज मैं आपके साथ लेकर आ रही हूँ हिस्ट्री नेट जीआरएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसका आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन विथ आंसर। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी जो ये सीरीज चल रहा है नेट जीआरएफ 2020 एग्ज़ाम को देखते हुए, उस सीरीज में ये आपका सातवां पार्ट होगा। इसके पहले 6 पार्ट तक अपलोड हो चुका है चैनल पे, और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास लाए जा रहे हैं, आपके साथ डिस्कशन किया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में आज का ये वीडियो है मौर्योत्तर पोस्ट मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नेट और जेआरएफ के लिए। आप देखेंगे कि मौर्यन पीरियड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट पूछे गए हैं नेट और जेआरएफ में। ओके, तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं दिसंबर 2011 का क्वेश्चन। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आजकल अगर देखें तो अभी अगर आप 2018-19 का क्वेश्चन पेपर देखें या 17 का 16 का, तो आप देखेंगे कि जब से हिस्ट्री का पेपर एक ही पेपर किया हुआ है नेट में, तो उसमें ज़्यादातर स्टेटमेंट और कॉज को लेकर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको जिसमें उसके पूछने का मेन मकसद यही होता है कि ये स्टूडेंट से वो जान सके कि आप किसी फैक्ट को कितना पढ़े हैं, कितना उसको जानते हैं, उसका जांच करने का बस यही उद्देश्य होता है। ओके, तो इसमें दिया है स्टेटमेंट, चलिए उसको देखते हैं। अभी स्टेटमेंट और कारण जो देता है उस पर किस तरह से पकड़ बनाया जाता है, आप इस आंसर देते हुए आंसर दीजिए और खुद भी खुद से भी इसका आंसर ढक के फिर खुद से भी आप पढ़ें और आंसर क्लियर करें, ताकि आपका टेस्ट एक प्रकार से हो सके। चलिए, बातें तो बहुत हो गई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2011 क्वेश्चन नंबर 1, इसका कथन है भारत रोम व्यापार संबंध में तीसरी और चौथी शताब्दी में कमी आई। कारण ब्राह्मणत्व के बढ़ते हुए प्रभाव ने समुद्री यात्रा को प्रतिबंधित बना दिया। ये बिल्कुल गलत है, कारण जो है ये बिल्कुल गलत है, ये बात सही है। कथन ए, भारत रोम व्यापार संबंध में तीसरी और चौथी शताब्दी में कमी आई। तीसरी और चौथी शताब्दी में कमी आई थी, लेकिन ब्राह्मणत्व के कारण ऐसा हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर होगा सी, ए सही है और आर गलत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर दीजिए। ओके, ऐतिहासिक क्रम में यानी कि सबसे पहले किसका उल्लेख किया गया है, किसके इतिहास के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ग्रीक रोमन शक प्रतिहार। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ा रोमन, उसके बाद से ग्रीक, उसके बाद से शक, उसके बाद से प्रतिहार। मैं थोड़ा सा और डिस्कस इसके जाऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी इसको। जैसे कि ग्रीक और रोमन, हिंदी में इसको कहेंगे यूनानी और ईरानी। तो सबसे पहले कौन से आए, ईरानी, उसके बाद से यूनानी। तो ईरानी और यूनानी से संबंधित इतिहास के बारे में एक विस्तृत, जैसे इसका ऐतिहासिक विशेषताएं क्या थी, इसे कौन कौन से इसके इतिहास के बारे में वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसे देख भी सकते हैं। तो ईरानी आए, उसके बाद से यूनानी, उसके बाद से शक, उसके बाद से प्रतिहार। प्रतिहार मतलब ये आ गया राजपूत काल में, पूर्व मध्य काल कहें या राजपूत काल कहें उस समय। तो आपको समझ में आ गया कि कालक्रम के अनुसार इसको कैसे हम लोगों ने व्यवस्थित किया। अब देखेंगे दिसंबर 2011 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, अब जून 2011 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था। तो सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किसने किए थे, कुषाण वंश के शासक विम कडफिसेस ने। किसने किए थे, विम कडफिसेस। ये कौन था, कुषाण वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था। तो आपको बता दूं, रुद्रदामन ने,
शक राजा जो था रुद्रदामन, उसी ने संस्कृत में रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन ने लिखा है, रुद्रदामन के समय का है, और इसने अपने अभिलेख को शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला ये अभिलेख है। ओके अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये भी कथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। कथन है, ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। कारण, पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता। पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता। तो इसमें आपका ये होगा कि आर तो सही है कि पुरातात्विक अवशेष से समृद्ध भारतीय उपनिवेश के अस्तित्व का कहीं संकेत नहीं मिलता है, लेकिन आर सही है, लेकिन ए जो है कि ईसा की प्रथम शताब्दी में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की, ये गलत है। ओके, तो इसका आंसर होगा डी, ए गलत और आर सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, दिसंबर 2011, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये तो आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ बताना है कि सबसे पहले कौन था और बाद में कौन आया, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जैसे शुंग राजवंश, हर्यक राजवंश, नंद राजवंश, मौर्य राजवंश, तो सबसे पहले आया हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश, इसके शासक कौन कौन थे, कोई बात नहीं मैं बता देती हूँ, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयीन, ये सब हर्यक वंश के थे। उसके बाद से आया नंद वंश, उसके बाद से आया मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। ओके, तो इसका आंसर होगा 6 का ए, 6 का ए आंसर होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं 7, ये भी कथन और कारण पर आधारित है। तो ए में क्या कथन है, सातवाहन समाज में मातृ तत्वों के अंश मिलते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, आपने सातवाहन वंश पढ़ा है जिसमें राजाओं के नाम के साथ सबसे पहले राजाओं के नाम जो होते थे उनके पहले माता का नाम होता था। इससे क्या पता चला है कि सातवाहन शासक जो थे वो या सातवाहन वंश जो था वो मातृ प्रधान समाज था, जहाँ माता यानी स्त्रियों की प्रधानता थी। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे वहाँ के राजा का जो नाम होता था शासक का वो था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, इस तरह से नाम होते थे। तो इसमें ये तो सही है, अभी देखते हैं। सातवाहन काल के दौरान वास्तविक शासक रानियां थी, राजा नहीं, ये तो भाई बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये पता चलेगा कि ये कि राजा तो होते ही थे। ये था कि मातृ प्रधान था, शासकों के पहले माता का नाम लगता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि रानियां शासन करती थी। हाँ, कभी अगर शासक छोटे हुए, राजा छोटे हुए तो उसके संरक्षक के रूप में करती थी, लेकिन ऐसे मुख्य उनका स्थान नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे ए सही है और आंसर आर गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, 7 का कौन सा होगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध की छवि मस्तक के चारों ओर प्रभा मंडल के साथ और उड़ते हुए गंधर्व आकृति और कमल के डिजाइनों से अलंकृत निम्नांकित कला पद्धति में प्रकट होती है, किस कला में प्रकट होती है। बुद्ध की छवि मस्तक के चारों ओर प्रभा मंडल के साथ उड़ते हुए गंधर्व आकृतियों और कमल के डिजाइनों से अलंकृत, ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो कला के गंधार पद्धति से। मैं आपको बताऊंगी, यदि आपको ये लगता है कि मैं आपको बता दूं कि मथुरा शैली, बेसर शैली, गंधार शैली, अमरावती शैली, ये सब क्या है, मतलब आर्ट स्टाइल है, तो इसमें किस किस तरह के बनाए जाते हैं, तो इससे संबंधित भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, 8 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, इसका है प्रश्न, भारत रोम के प्रभाव में आकर प्रौद्योगिकीय रूप से सर्वाधिक लाभान्वित निम्नांकित में से किस शिल्प से हुआ। कांच बनाना, रोम के प्रभाव से आकर किस
प्रौद्योगिक रूप से किससे लाभान्वित हुआ, तो कांच बनाना, कांच मतलब क्या होता है, शीशा, शीशा बनाने की कला से प्रभावित हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के बौद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं, बौद्ध केंद्र है नालंदा, विक्रमशिला, काचीपुरम, वाराणसी। तो इसमें तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि नालंदा और विक्रमशिला दोनों बौद्ध केंद्र है, आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कथन है कुषाण काल बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक सम्मिश्रण का साक्षी है, ये तो सही है, कुषाण शासकों ने स्वयं अपना कर इसकी वकालत की, हाँ बिल्कुल, तो इसका आंसर होगा ए, ए आर आर दोनों सही है, आर सही की व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए, चलिए इसे सुमेलित करना है, देखते हैं, जैसे द्वितीय नगरीकरण किसको कहा जाता है, यानी द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है जब लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे का जिस युग में प्रयोग किया जाने लगा, यानी मगध साम्राज्य के उदय पड़े, या ये कहे कि 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तो इस समय को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है जब लोगों ने लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ओके, तो ए का हो जाएगा 4, खारवेल, खारवेल किस लिए, कहाँ का शासक था, कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में, तो उड़ीसा यहाँ दिया हुआ है। तो बी का 3, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये किस वंश का था, सातवाहन यानी दक्षिण का एक वंश था सातवाहन, महाराष्ट्र जहाँ उन लोगों की राजधानी थी, तो इसका 1, तो यानी कि सी का 1। तो ये विक्रमांक देव चरित्र, ये किसकी रचना है, विलहन की रचना है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, 12 का आंसर डी। देखिए यदि आपने याद किया है, और हमने भी बहुत पहले ट्रिकी भी बताया है कि अगर आपको 1-2 भी याद रहेगा तब भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसीलिए अच्छा लगता है कि जब सूची से मिलान करने वाला इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। चलिए दिसंबर 2009 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, हाँ देखिए ये कुछ थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन आ रहा है, तो अब घबराए नहीं है, कहिए कि ये मौर्योत्तर काल में कहाँ से आ गया, तो इसमें थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन मिसलेनियस करके दे रहा है, मैं देख रही हूँ। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए, जैसे हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति किस लिए, सूची में 2 में किससे, ताड़ीदार पहिया, तांबा तकनीक, जैन धर्म, सातवाहन, किससे होगा, तो तांबा तकनीक, हड़प्पा संस्कृति में तांबे का प्रयोग किया जाता था। आर्य क्या होगा, ताड़ीदार पहिया का यूज करते थे। गौतमी पुत्र किस वंश से था, सातवाहन। श्रवण वेलगोला ये कहाँ था, जैन धर्म से संबंधित है ये। श्रवण वेलगोला दक्षिण का एक स्थल है जहाँ एक बार जैन संगीति का भी आयोजन हुआ था, और आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि मौर्य साम्राज्य का शासक जो था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने श्रवण वेलगोला में अपने संलेखन पद्धति के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। संलेखन मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर का त्याग करना। ओके, तो इसका आंसर होगा 13 का सी। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 2009 में जून में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें भी सुमेलित करना है, उत्तरापथ, कलिंग, सातवाहन, अवंती, ये तो बहुत ही ईजी है, आप आराम से इसको मिला सकते हैं। जैसे कि उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला, कलिंग की राजधानी तोसाली, सातवाहन प्रतिष्ठान, अवंती महिष्मति। ओके, महिष्मति साम्राज्यम आपको याद होगा, अवंती दक्षिण में, जब कौन सी मूवी है मैं अभी भूल रही हूँ, आप लोग जरूर लिख के भेजिएगा कि मूवी कौन सी जिसमें महिष्मति साम्राज्य महाबली करके कुछ नाम मैं भूल रही हूँ, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, जबकि जुबान पर ही है लेकिन अभी याद आ नहीं रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इसमें मिलान कीजिए। चलिए इसमें पल्लव, इक्ष्वाकु, अम्भीर व काटक, इसके शासक कौन कौन से हैं, तो पल्लव
पल्लव शासक भी या कुछ जगहों का भी नाम दिया गया है। तो पल्लव के किस जगह संबंधित है? कांचीपुरम। तो पल्लव दक्षिण के थे तो कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। तो ए का फोर होगा। इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश कौन है? धान्य कटक। आम्भीर, आम्भीर के शासक का नाम कौन है? ईश्वरदत्त। अवकाटक पर्वत। ओके, तो इसका आंसर होगा 15 का ए। दिसंबर 2008 में क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास में कुषाण काल अति समृद्ध काल है। इस काल में हम चहुमुखी विकास का अवलोकन करते हैं। बिल्कुल सही, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या करता है। क्योंकि कुषाण काल में कुषाण काल का इतिहास जो है वह हर तरीके से डेवलप है, यानी कि उस समय साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी सुमेलित करना है। जैसे एट एच कार्नेलियन मनका, एट कार्नेलियन मनका ताम्र बैरीगाजा ताम्रलिप्ति, ये जगह का नाम है और कहाँ कहाँ ये सब चीज़ है देखते हैं। कार्नेलियन मनका कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कार्नेलियन मनका जो है हड़प्पा से। ओके, ताम्र, ताम्र कहाँ से? राजस्थान से। तंबा, तंबा कहाँ से प्राप्त होता है? राजस्थान के खेतड़ी नामक जगह से प्राप्त होता है। ओके, तो इसका हो जाएगा राजस्थान। बैरीगाजा, बैरीगाजा क्या है? बंदरगाह है। ताम्रलिप्ति हमने कल भी बताया था, ताम्रलिप्ति तो बंगाल को ताम्रलिप्ति कहा था, ये कहे कि बंगाल में ताम्रलिप्ति नाम का बंदरगाह था। इसका आंसर होगा डी, 17 का डी। 18, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार क्रम में रखें और नीचे दिए कुटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो सबसे पहले कौन आया था यहाँ वो देखना है। तो सबसे पहले मेगास्थनीज कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। उसके बाद से आया फयान, फयान कब आया था? गुप्त काल के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। उसके बाद से आया था वेनसंग, वेनसंग कब आया था? हर्षवर्धन के टाइम में। अलबर्नी, अलबर्नी कब आया था? मोहम्मद गोरी के टाइम में। तो आपको पता चल गया कि कालक्रम के अनुसार उसको कैसे रखेंगे। तो इसका आंसर होगा ए, 18 का ए। अब देखिए यहाँ पे एक इतिहास से संबंधित ही एक फ्रेज दिया हुआ है। ओके, तो आप इसको एक एक करके पढ़ लीजिए। ओके, और इसे संबंधित नीचे आंसर करना है। ये हिस्ट्री से ही रिलेटेड है इसीलिए यहाँ पे इसमें दे दिया है। आप पढ़ रहे हैं? ओके, चलिए। क्वेश्चन 19 नंबर, किस देश ने भारतीय विचारों को पूर्णतः नहीं ग्रहण किया? तो चीन ने। आंसर क्या होगा? चीन। ये इसको पढ़िएगा तो इसमें भी ये दिया हुआ है। भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव चीन में कैसे फैला? तो भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि यहाँ की संस्कृति चीन में किस माध्यम से गई? बौद्ध धर्म के माध्यम से, यानी कि बौद्ध धर्म के द्वारा यहाँ की संस्कृति फैली वहाँ पे। 21, ऐसे निज के यहूदी संप्रदाय ने भारत से ग्रहण किया, क्या किया है भारत से ग्रहण? यति जीवन। क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिमी विश्व में भारतीय प्रभाव ने किस प्रकार प्रवेश किया? भारत तथा यूनानी जगत के संपर्क से, यानी कि जब भारत, भारत में सबसे पहले जो यूनानी लोग आए उन्होंने भारत से जो भी संस्कृति ग्रहण किया उसे, उसके माध्यम से पश्चिम वालों ने उनसे ग्रहण किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, अंत में रोमन भारत से प्रभावित हुआ, किस तरह से प्रभावित हुआ? रोम भारत से व्यापारियों द्वारा प्रभावित हुआ, क्योंकि रोम के साथ भारत के व्यापार होते रहते थे। फिर इसमें सूची दिया हुआ है, इसको सम्मिलित करना है, ये भी बहुत ईजी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभिलेख दिया हुआ है और किस शासक से ये अभिलेख संबंधित है। सबसे पहले देखेंगे विलहरी प्रस्तर अभिलेख। विलहरी प्रस्तर अभिलेख किससे संबंधित है? युवराज देव। मेहरौली स्तंभ लेख, बस दिमाग लगाइए फटाफट, मेहरौली स्तंभ लेख किससे संबंधित है? चंद्र से, चंद्रगुप्त प्रथम
इसी के साथ मेहरौली स्तंभ, लौह स्तंभ लेख आप जानते हैं, तो चंद्रगुप्त जिसे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, ये गुप्तकालीन शासक था। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, यशोधर्मा से। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख किसका है, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। चलिए इसका आंसर होगा 24 का डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। शुंगों के शासनकाल में कुछ यौनों का वैष्णव मत में धर्म परिवर्तन हुआ, कारण भागवत ने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। तो कथन क्या कह रहा है, ये तो सही है कि भागवत ने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, लेकिन कथन क्या कह रहा है कि शुंगों के शासनकाल में कुछ यौनों का वैष्णव मत में धर्म परिवर्तन हुआ, ये गलत बात है। वैष्णव मत में धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, और ये तो सही है, यहाँ ए गलत और आर सही है, आंसर होगा डी। चलिए जून 2007 में क्वेश्चन एक पूछा है, निम्नलिखित अभिलेखों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, जैसे इसको भी अब बताना है कौन सबसे पहले है, पृथक कलिंग अभिलेख, सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, बिसनगर गरुड़ स्तंभ लेख, नहपान का नासिक अभिलेख। ओके, तो सबसे पहले आता है सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, ये किससे संबंधित है, अशोक से। उसके बाद से आता है पृथक कलिंग अभिलेख, पृथक कलिंग अभिलेख यानी खारवेल का। उसके बाद से आता है बिसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख, मौर्य वंश के बाद जो शक कुशान आए तो शक से संबंधित है। नहपान अभिलेख, नहपान का नासिक अभिलेख। ओके, तो इसका आंसर होगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें भी मिलान करना है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, अगाथोक्लीज, क्षत्रप राजुवुल, कनिष्क, तो इनका कुछ नाम वगैरह है इससे संबंधित है। जैसे जैसे इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि दी गई थी, चक्रपुरुष। अगाथोक्लीज को पल्लस, क्षत्रप राजुवुल को बलराम, कनिष्क को अर्दोक्षो, इन लोगों का ये नाम है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज स्थापित किया, वह इंडो ग्रीक शासक था। तो हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज स्थापित किया, ये तो बात सही है, लेकिन वह इंडो ग्रीक शासक था, ये गलत है। ओके, तो ये सही है और आर गलत है, इसका आंसर क्या होगा, सी, 28 का सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इसमें भी सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है कि वसुमित्र, पतंजलि, मेघास्त्रीज, हरिसेन, ये सब किसके दरबार में रहते थे। चलिए वसुमित्र किसके दरबार में रहता था, कनिष्क के दरबार में, तो ये चार हो आंसर सही है। पतंजलि था पुष्यमित्र शुंग के दरबार में, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और उसके अध्यक्ष पतंजलि थे और उसने महाभाष्य पर टीका भी लिखा था। महाभाष्य एक टीका है जो अष्टाध्यायी, पाणिनी द्वारा रचित अष्टाध्यायी रचना जो है उसी पर एक टीका लिखा गया है महा पतंजलि द्वारा, उसका नाम क्या है, महाभाष्य। मेघास्थनीज किसके समय में आया था, समुद्रगुप्त के समय में, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य, मेघास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, किसके लिए लिखा गया है, समुद्रगुप्त के लिए, या ये कहे कि समुद्रगुप्त के बारे में उससे जानकारी प्राप्त होती है। ओके, तो आंसर इसका होगा बी, 29 का आंसर बी। आप भी जरूर इसको आंसर ढक के प्रैक्टिस जरूर करें, आप आंसर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह नहीं है, या 30 नंबर क्वेश्चन, काम्बे, चोल, गुलबर्गा, मसूलीपट्टनम, तो इसमें गुलबर्गा बंदरगाह नहीं है। 31 नंबर, मिलिंद पनों में मेनेंडर तथा के बीच के वार्तालाप का उल्लेख है, सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि मिलिंद पनों एक पुस्तक है उसमें किन का उल्लेख किया गया है, तो मेनेंडर एक शासक है मिनेंडर, और किसके बीच, तो नागसेन के बीच के वार्तालापों का उल्लेख किया है, और इसमें वो किस चीज़ की वार्तालाप कर रहे हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित वार्तालाप, और इसमें नागसेन का मतलब होता है नागार्जुन भी,
नागार्जुन भी यहाँ होता तो लिख सकते थे, या उनको ही नागसेन कहा गया है। ओके, तो इसका आंसर होगा डी। ये रहा आपका मौर्योत्तर काल, इसमें कुछ मौर्य युग से संबंधित है। मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मौर्यन, यानी मौर्य युग के बाद से भी कुछ टॉपिक रिलेटेड है। तो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर नेट GRF का, आप इसे ज़रूर देखें और प्रैक्टिस करें। कहीं भी कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। यदि आपका कोई टॉपिक है जो आप नहीं समझते हो और चाहते हो कि उस पर लेक्चर आए, तो उस टॉपिक को भी आप बेझिझक आप शेयर कर सकते हैं हमसे। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे ओनली फॉर नेट GRF 2020 के लिए। ओके, तो आप लेट ना करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।